नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जर्मनी में आयोजित G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी को आगरा की मार्बल इनेल टेबल टॉप उपहार में दी है। इस टेबल टॉप को आगरा के स्टोन मैन कंपनी में काम करने वाले डिजाइनर हिमांका शेखिया ने डिजाइन किया है। वहीं इस टेबल टॉप को बनाने में कितना समय लगा इस बारे में डिजाइनर ने विस्तार से जानकारी दी। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग को अराउंड 6 महीने की मेहनत है, और उसमें से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले हम उस पर कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम डिजाइनिंग काम करते हैं, और डिजाइनिंग जब फाइनलाइज होता है हो जाता है उसके बाद हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस का अराउंड हम लोग को 6 मंथ लग गया है। अराउंड 5 कारीगर्स ने काम किया था इसमें, और मेरे डिजाइन टीम से भी अराउंड 4 to 5 डिजाइनर्स ने इसमें काम किया था। अलीगढ़ में महज 1 घंटे की बरसात से शहर के विभिन्न इलाके जलमग्न हो गए हैं और स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। आपको बता दें कि अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है। वह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। लंबे समय से चल रहा स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट अभी तक शहर में बरसात के कारण होने वाले जल भराव से निजात नहीं दिला पाया है। हालांकि हर बार बरसात को लेकर नगर निगम की तैयारियां युद्ध स्तर पर रहती हैं, लेकिन चंद समय के बरसात स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख देती है। आज 1 घंटे की बरसात ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जल भराव की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ रहा है। कई और दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। देर शाम घर जा रही युवती के साथ पड़ोसी युवक ने छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ का विरोध करना युवती को भारी पड़ गया। दबंगों ने घर पर पथराव कर दिया। दो युवतियों सहित एक युवक घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। आरोपी मौके से फरार है। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। थाना कुआरसी क्षेत्र के मंजूर गढ़ी का पूरा मामला। एक लड़का बराबर में पुष्पकिन नाम है, तो उसने जो मेरी लड़की से जो है छेड़छाड़ करी, तो नीयत गंदी हरकत की वजह से उसे खींच करके ले जा रहा था, तो कपड़े लत्ते फटे हुए, तो मैंने आकर कहना सुनी करी घर पे, तो मोहल्ले वालों ने सलाह करके मेरे ऊपर हमला बोला, मेरे बच्चों के ऊपर हमला बोला, लाठियां गेंडे और ईंट पत्थर बरसाए मेरे घर के अंदर। अमेठी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस बीच पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक तस्कर के पैर में गोली लगी, वहीं तस्कर की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें एसओजी टीम का एक सिपाही घायल हो गया है। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर में चल रहा है। बाजार शुक्ल क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों की तरफ से महिला समेत 17 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कमरौली थाना क्षेत्र के पूरे उमदे खान दुलारी नगर का यह मामला। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले दर्जी कन्हैया लाल की 2 जिहादियों ने बर्बरतापूर्वक तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद यूपी के बिजनौर में कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जो लगातार सड़कों पर उतर आए हैं और नुपुर शर्मा का समर्थन किया, तो वही जिहादियों द्वारा की गई हत्या के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं जमकर विरोध प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। उदयपुर में हुए हत्याकांड को लेकर लगातार विरोध देखने के लिए मिल रहा है, और इस विरोध में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने सड़कों पर आतंकवादियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने एक दर्जी की हत्या की है वो अत्यंत दुखदायी है, इससे हमारे देश में अशांति का वातावरण बन रहा है। उन्होंने कहा कि हम सरकारों से मांग करते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुदामा चौराहे से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हल्की बारिश की वजह से सुदामा चौराहा से दूसरे चौराहे तक जो कि बैतालपुर बताया जा रहा है, यहां पर जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जिससे राहगीरों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सहरसे से स्कूली बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं, जल जमाव हो जाने के कारण स्कूली बच्चों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस जल जमाव की समस्या को दूर नहीं किया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस जल भराव की समस्या को लेकर जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं, किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। देवरिया के रुद्रपुर में मॉनसून की पहली बरसात लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। नगर की नाली नाले चौक पूरी तरह से हो गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कई क्षेत्रों में गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बरसात की बात की जाए तो जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। किसानों के लिए भी बारिश लगातार दिक्कत बनकर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बस स्टैंड है वो भी पूरी तरह से तालाब बन गया है। पुलिस ने दो फर्जी विधायकों को गिरफ्तार किया। वसूली की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। फर्जी विधायक बनकर वसूली किया करते थे। दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाड़ी में विधायक स्टीकर और हूटो लगाए थे। नेशनल हाईवे 34 पर वसूली किया करते थे। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों के पास से तमंचा कारतूस नकदी बरामद की है। कानपुर जिले के किदवई नगर के दोनों रहने वाले बताए जा रहे हैं। जौनपुर की शाहगंज तहसील को जिला बनाने और शाहगंज नगर में बाईपास मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक पंकज सिंह अंकुर ने केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चक्रू से दिल्ली में मुलाकात कर पत्र सौंपा है। खानपुर विधानसभा के कलसिया गांव के पास 2017 में आई बाढ़ के दौरान तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ था। नीलधारा गंगा का तटबंध लगभग 2 किलोमीटर तक टूट गया था, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो पाई है। जैसे ही मानसून आता है तो कलसिया सहित दर्जन भर गांवों के लोगों की जान गले में अटकने लगती है। किसानों के सामने पशुओं के चारे से लेकर खाने पीने की वस्तुओं की समस्या खड़ी हो जाती है। नीलधारा गंगा के जलस्तर बढ़ने से खानपुर के दर्जन भर गाँव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। पौड़ी पुलिस ने बीते रविवार को शहर के मधुबन होटल के समीप से अवैध सट्टा लगाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान द्वारा अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अंतर्गत कोतवाली पौड़ी पुलिस टीम द्वारा अवैध जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर मधुबन होटल के पास श्रीनगर रोड निवासी प्रफुल्ल सिंह को अवैध सट्टा पर्ची और सट्टे की धनराशि के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घाटमपुर में हुए अनिल यादव हत्याकांड का बुधवार को खुलासा कर दिया। वह संबंध के विरोध के कारण ही एक ढाबा संचालक ने अपराधी किस्म के लोगों को सुपारी देकर अनिल यादव की हत्या कराई। मामले में पुलिस ने ढाबा संचालक समेत 3 अन्य अपराधी किस्म के लोगों को दबोचकर हत्याकांड का पर्दाफाश किया। बता दें कि 23 जून की रात अनिल यादव का शव मिला था, जिसके बाद जाँच की गई। जाँच के बाद अब खुलासा कर दिया गया है। उधम सिंह नगर में बदमाशों को दम थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हथियारबंद बदमाश अपना रौब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि जिला मुख्यालय रुद्रपुर किशा रोड की है, जहां राधे स्वामी सत्संग घर के बाहर खुलेआम तमंचा तान कर लाठी डंडे और लोहे के पाइप से लोग कुछ लोगों को पीटते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। समर में भी मानसून की दस्तक हुई है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की लेकिन पोल खोल दी है। थोड़ी सी बारिश में सड़कें पूरी तरह से तालाब बन गई। संभल सदर में जमकर बारिश हुई। योगी सरकार जहां एक ओर भूमाफियाओं और अवैध निर्माण को लेकर एक्शन मोड पर है, तो वहीं जनपद में ड्रेनेज खंड की नहरों पर कब्जा कर लोगों द्वारा मकान बनवा लिए गए हैं। भूमाफियाओं द्वारा नहर की भूमि को बेची गई या लोगों द्वारा स्वयं सरकारी भूमि को कब्जे में लेकर निर्माण कार्य किया गया है, इसकी पुष्टि शासन प्रशासन के निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल पाएगी।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।